घर के अंदर जैड हडीड को इस वक्त लग गया है बड़ा झटका, लेकिन ये किस बात पर लगा है वो बड़ी हैरानी वाली बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत है आप सभी का फीफा फूज में। ये बड़ा ही अनकॉमन सा डिस्कशन घर के अंदर चल रहा है लाइव फीड में, जहां पर जैड और अविनाश बैठकर बातें कर रहे हैं। और ये जो डिस्कशन है ये जिया के रिगार्डिंग है, जिया की एज को लेकर। कई सारे लोगों को इस बारे में भले ही कोई जानकारी नहीं थी और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक भी नहीं है कि इस पर जानकारी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अविनाश और जैड के बीच कुछ तो बात हो रही थी। और उस दौरान अविनाश ने बताया जैड को कि जिया शंकर की एज जो है वो 30 साल है। जी हाँ, शी इज 30 years old, जिसके बाद जैड का चेहरा देखने लायक था। बड़ी ही अजीब सा रिएक्शन दिया जैड ने, और जैड ने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा दैट शी इज 29 to 30, मतलब ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मैं तो उसको 21 साल का समझ रहा था, बिकॉज मुझे लगा कि वो काफ़ी छोटी है एज में। इसी रीजन से मैं उसे अपनी बेटी की तरह देख रहा था, क्योंकि मैं खुद 38-39 का हूँ, सो मैं उसे बेटी की उम्र का देख रहा था। मुझे लग रहा था कि काफ़ी छोटी है एज में, दैट्स व्हाई आई ट्रीटेड हर लाइक माई डॉटर। बट ये जो चीज़ है, ये सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद कहीं ना कहीं जैड कहते हैं कि ये मुझे लगता है आई फील सो स्टूपिड कि मैं उसको बच्चा समझ रहा था, बट वो बच्ची नहीं है, शी इज़ 30 years old। सबसे पहली बात तो पूजा और जिया के बीच जो घमासान हुआ है, जो कि आप आज के एपिसोड में देखेंगे, कल लाइव फीड में हुआ था, और वो अब तक का सबसे बड़ा झगड़ा आप कह सकते हैं घर का है। और उसी के साथ साथ पूजा पहली बार इस कदर अग्रेसिव हुई है, जिस तरह से उन्होंने गालियां वालियाँ दी है जिया को, तो बात जो है वो काफ़ी आगे निकल गई थी। उस लड़ाई के दौरान पूजा ने कहा था कि जिया सिर्फ बच्ची बनती है, डम बनने की कोशिश करती है, बट है नहीं, शी इज़ एक्सट्रीमली क्लेवर। सो इन सारी चीज़ों पर जिया की जो जनता है वो बाहर भड़क गई है। उनका कहना है कि एज जिया की कुछ भी हो, उससे आपका क्या लेना देना, एज पर डिस्कशन क्यों हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर बताइएगा।